भाई एचआर न्यूज़ देखने सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आप काफ़ी टाइम से देखने लग रहे हो, साथ में हमारे सरपंच हुए हैं, सपना हुआ है, ये गांव वाले भी हुए हैं, और कई बार कमेंट में न्यू भी आवा है कि भाई तंग पा गया हम कति थर दौड़ कोई मुद्दा कौन है कि बिजली पानी। भाई समस्या अगर है तो कॉल करो, बताओ, हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे उसने। लेकिन फिलहाल सरपंच मौजूद है, सरपंच से बात करेंगे। अंसावास गांव में सरपंच के घर पर फिलहाल मौजूद है हम, और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा एक पंचायत हुई थी, और पंचायत नहीं बढ़िया पंचायत थी वह, क्योंकि पूरा गांव आ रहा था। लेकर बड़ा थी उसमें क्या फैसला आया है, क्यों पंचायत हुई थी वह भी आपने सुन ली होगी। और फिलहाल कुछ सवाल थे मेरे सरपंच से, और वह सवाल क्यों थे, वह सवाल आप मारते करो इसलिए थे, तो करते हैं उन्हें इस बारे में बात। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई सरपंच साहब एक बात है, पहला सवाल तो मेरा यू है कि मेरे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वे कमेंट करके नुकम है भाई सरपंच साहब ने पीछे देखा बुला हुआ। भाई साहब मैं आपकी तो जिद को मेरे पे झूठा आरोप लगने लग रहा है, देश है इसका क्या करें। नहीं भाई साहब मैं आपके सामने आ रहा हूं, पूछूं कि आपने कितने रुपए दे रखे मारते। नहीं भाई साहब मैं तो चाहे तो बोला ही, मतलब वो भी नोरा नारा काट के प्या दूं, मतलब रिक्वेस्ट करके प्या दूं। चाय पीने से भी आप मेरी चाय पीने से भी आप पीछे हट रहे हो, बताओ इससे ज्यादा सच्चा मेरे पास। एक चीज और बताओ, बाकी तो सारी जनता ने देख रखा है भाई सपना के क्या हालात हैं, सब ने देख रखा है भाई। भाई एक साल तय अनुत बुरे है, मान ले अनुपुस्ते ना खर्चा देना ना कुछ और। अरे भाई नु सुन में आता बस स्कूल में काम करके ना अपना गुजारा चला रही थी, उड़ते भी वो अटकी के, मतलब जो आपके ऊपर काम हुए हैं वो उड़े स्कूल में तो हो गए थे, इस वजह से उड़ते भी हटना पड़ा उसमें, क्यों उसका परिवार जो है बार बार में लालचन लगाने लग रहा है उसको। तो जब सपना का कितना जुगाड़ है फिलहाल में? सपना का कोई जुगाड़ नहीं जी। नू भी सुन में आवे है भाई कमेंट करे भाई सपना था हमने पीछे देते बुलावे, अपना नाम कमाने लग रही है, फेमस होने का। सपना का तो ऐसा है जी, सुनो मेरी बात है, सपना का तो एक दुकान है यहाँ हमारे गांव में, उसके परिवार से ही है वो उसको उधार में सामान देता है, वो महीने में दे है, दो महीने में दे है, तीन महीने में दे है, वहां से उधार में ले ले खा है। उसका तो आज का दिन ये हाल है जी, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं, कुछ है नहीं, तो कहां से ले जी पैसे बचाओ। तो आपका कहने का मतलब न्यू है कि पीछे आप भी नहीं, पीछे भी नहीं देंगे? नहीं जी। एक बात बता दो भाई साहब, एक बार माइक करियो, अगर ये बात है ना भाई, सपना भी नहीं दे पैसे, सब हम भी कौन दें, मैंने इतना ही पता है, अगर रुपया वह भी कौन दी, एक बहुत बड़ी बात है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रुपये वहां से किसी भी मीडिया वाले को, आपको नहीं, किसी भी मतलब मीडिया वाले भाई को ये नहीं कहा वहां से एक रुपया मिल जाए, क्योंकि वो भी ऐसे बंदे हैं, मतलब सर फूट गया बाकी उनका भी रुपया कौन फूटता है, हमारा तीनों सौ काम था, हमने को रुपया देने को नहीं, जहां तक सच्चाई यही बात है। आपने बोला कि हम मीडिया वाले हैं, तो हमने दोनों पक्ष की सुननी पड़ा है, सही बात को ना? बिल्कुल, क्योंकि एक पक्ष की सुनना भी मतलब कोई पत्रकारिता नहीं होगी। बिल्कुल। तो जब मैं कल परसों उसका चोट लागी है जो भी है, रोहतक पीजीआई में उनके बयान लेने खातर गए, तो हमारे भाई बंधुआ ने कमेंट कर कन्नू कहा भाई इन पता हमने पीछे ले लिए, और आपने वह बात बता दी है दर्शक, पीछे उड़ते भी नहीं मिले, ना क्यों पीछे मैं भी नहीं देंगे, ठीक है। तो दूसरी बात सरपंच साहब न्यू आवे है अब भाई, जो आपको ऊपर तो मान गांव ने अपना ले लिया फैसला भाई, गांव आपके साथ में है, और सारे बयान गांव हर मीडिया में अड़ा दो रहे, हर वीडियो में नू दे रहा है गांव सपना का गल्या है, लेकिन मन ने खुद देखा है, मेरे और भाई बंधु ने भी देखा है कि सपना ने एक अपील करी थी पंचायत में भाई मेरा भी कोई समाधान कर लो, तो क्या समाधान कर लिया उसके बारे में एक आपने थोड़ा हक पंचायत की तरफ से कौन देखा होगा, सपना बोल ली थी उसने दो बात रखी थी, और वो थोड़ी सी दीवार का हार आपने जाके देखी ना देखी, बहुत बिल्कुल मैं यह बात अब तक करूँ, लेकिन आप पहले बोल गए तो बता दो भाई, मैं बता दू हूँ हमने देखी थी, बस सपना भावुक हो गई थी, यानी कि कुछ बात मैंने नहीं पता, वो तो सपना से बात करने के बाद पता चलेगा कि वो उसके बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी आंखें में पानी आ गया था, पूरी बात पंचायत ने उसके सामने नहीं रखी, सब उन्हें बस न्यू शुरू में न्यू कह दिया था भाई हाँ करांगे तेरा भी कोई समाधान, इस वजह तो हो सके भाई वह दुखी थी पहले आई थी, और उसके बाद भावुक भी होगी उसके बारे में। साथी जी का जो ये रणबीर का परिवार है, ये प्रेसिडेंट ग्रुप का परिवार है, और जो प्रेसिडेंट ग्राम जो सबसे बुजुर्ग बंदा था ने जयलाल,
जो उनका दादा है वो उन पंचायत में मौजूद था, उसने पंचायत के सामने मतलब कह बोल दिया था कि भाई सपना की आगे के लिए मतलब ऐसी कोई घटना मैं नहीं घटने दूंगा और इसका हम प्रबंध भी करेंगे, खाने पीने का जो भी है वो हम प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो उस पर गांव को थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, अगर परिवार का बुजुर्ग आदमी या पेंशन घर जवाबदारी लेते हैं तो गांव थोड़ा अपने ऊपर भाई लेने थे, जैसे मतलब भाई आप मीडिया वाले समझ लो अगर भाई सपना को इतना साथ क्यों दे रहे हैं, गांव वाले सरपंच साहब को इतना साथ क्यों दे रहे हैं, ये बात भी हो कि ने इस वजह से वो भी मतलब क्लियर करे है वहां। अगर कल न कोई सपना की दिक्कत आ जाएगी, पहले इसका परिवार, इसके परिवार से मतलब कोई बात सुलझ नहीं जाए तो गांव सपना के साथ है। तो सरपंच साहब बात न्यू आवे है कि काल न तो दिक्कत आवे कि भगवान ना करे सी भाई आप गल्या भी और जो देख ला रहे उन गल्या भी और सपना के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आवे, लेकिन फिलहाल में जो उसके लिए दिक्कत आ रही है आप के लिए दिक्कत आ रही है तो आपका तो समाधान काम ने कर दिया, उसके बारे में क्या सोचा काम ने जो फिलहाल मार जो ये जो मारपीट वाला मारपीट मार रहे है उन्हें भाई बयान भी दे रखे हैं। ये भाई साहब जो हमने 45 आदमी जो कमेटी बनाई है ना, ये इसीलिए बनाई है ये जो हमने फैसला लेना है अगला वो 45 आदमी इकट्ठा करके हम लेंगे। ठीक है, हमने गांव के और आदमी साथ लेने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, प्रशासन से क्या गुहार लगानी है, क्या करनी है, मतलब सपना के बारे में क्या कहना है, अनूप के बारे में क्या कहना है, मतलब ये सारा सिस्टम मतलब एक 45 आदमियों के आदमी कमेटी बना के दे दिया। भाई सरपंच साहब इस बात में गुप्त भी रखना चाहूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो जा रहा है की सारी बात फैलाए उड़े ना फैल हो जा रहा है, इसलिए इस बात में गुप्त रखना चाहूँ। हाँ जी, मतलब 45 आदमियों कमेटी बना दी तो जैसे हम 45 आदमी इकट्ठे होंगे क्या बात है क्या नहीं, ये तो नई बात निकल के आएगी जी भाई, आज शाम को क्या हो जाए, सुबह हमने क्या बतलाना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, हमने सचों के पास जाना है, थाने में जाना है, या मतलब डीएम का जाना है, या एसपी साहब का जाना है, या शायद हमें जाना भी ना पड़े। अगर प्रशासन सही इंक्वायरी करके ने अगर मतलब सही कर देता है, मतलब दोषी को दोषी निर्दोष को निर्दोष कर देता है तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने मतलब बना रखी है अपनी कमेटी बना रखी है और कमेटी के काम बात नहीं हो तो काम हमारे साथ है ही, वो हमने गांव के आगे फिर 45 आदमी बात रख देंगे, अगर भाई हमारे से मतलब ये बात थोड़ी सी ऊपर होगी तो गाँव फिर इकट्ठा। एक बात और बताओ सरपंच साहब, चलो ये बात तो पूरी होगी, मान लो आज जो घटना घट रही है अनूप का परिवार अनूप गेले पिंकी गेले जो घटना घटी है, 2-3 दिन पहले जब प्रशासन भी आया था जिस टाइम पर अनूप ने कब्जा किया, मैं बोलते भाई साहब आपको एक मिनट बता देता हूँ उसके बारे में भी, पहले वो आपकी बात को नहीं काट रहा, एक बात और है जी क्लियर में, हम किस लिए उठ रहे हैं, गांव वालों को अभी यह तसल्ली नहीं हुई है कि मेरी तो कर ली पूरे गांव में तसल्ली, लेकिन इस घटनाक्रम का ये नहीं है, ये घटनाक्रम होया कैसे, 5 बजे का टाइम है कोई सुन नहीं रहा, सीसीटीवी में कमरा लाग रहा है तो गांव भी एक भी निचोड़ तक जाएगा, मतलब गांव थोड़ा सा जिसमें पड़ रहा है कहते कोई इसमें सपना का दोष हो, इसलिए अगर सपना निर्दोष पाई गई तो गांव फिर भी सपना के साथ होगा, दोषी पाई गई तो गांव साथ। सारी क्लियर होगी, एक अति लास्ट घनी बुंदी बात है, मैं नहीं चाहता कि आप पूछूं लेकिन पूछनी पड़ेगी क्योंकि बार बार मैं कमेंट आने लग रही है। ठीक है भाई, जो देखने लग रहा है मेरी बहन है भाई, छोटी भी है बड़ी भी है और सरपंच के परिवार में भी होंगी, क्योंकि ये कमेंट आने लग रहे हैं, इस वजह से मैं ये सवाल सरपंच साहब तक करूंगा। सरपंच साहब, दर्शक न्यू जानना चाहते हैं, कमेंट करके कहते हुए हैं कि सपना के साथ में आपके वाक्य में कोई ना कोई संबंध है। ये तो जी क्या कैसे विश्वास दूं संसार को, जो भाई कमेंट कर रहा है ना उससे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उसको कहीं से भी हो कहीं से भी मतलब चाहे कितने दूर से हो उसका आने जाने का किराया खर्चा दूंगा, गांव में आ जाएगा एक एक घर में चला जाएगा, एक एक घर में मतलब बताने की जरूरत नहीं, गुम आ जाएगा, गुम आन के एक एक घर में एक एक और से मतलब पूछ लेगा अरे भाई मतलब सरपंच इस गली में आया है या इसको गाड़ी में बैठाता है या फोन पर बात करता है या मतलब कोई बात है, और सपना तो मेरी बेटी के समान है, 2 साल बड़ी है मेरी लड़की से, हद है भाई साहब, ये तो देखने की बात है, कमेंट करने वाले भाई ने एक बार ये तो बताओ अगर इतना पूरा गांव साथ है, अगर यह साथ भी होता है तो गांव बहुत बड़ी चीज होती है, आंखों आंखों में पकड़ लेते हैं। भाई देखो जो ये इतने बदर कमेंट करे हैं इस देवता समान इंसान के ऊपर गलत है, क्योंकि गांव जिसके साथ होया करे ना उससे गल्ला होया करे, मैं हर वीडियो में बताने लग रहा हूँ, अगर इसमें कितने 1% भी खोट होता तो गांव इसके साथ नहीं पाता, आज भी अपने पंचायत में देखा होगा गांव वाले क्यों कर इस खातर एक बुलावा पे पूरी पंचायत खड़ी पावे है, पिछली बार भी पंचायत हुई थी अनूप ने माफी मांगी थी, तो भाई मैं कमेंट करना तो रिक्वेस्ट करूँ
कि ऐसा कमेंट ना करया करो जिसमें इसके परिवार वाले भी देखते होंगे उनके ऊपर गलत असर पड़ा है, रिश्तेदार भी देखते होंगे वह इसके बारे में गलत नहीं कहूँ तो देखा है ऐसा कमेंट ना करें। हो सकता है जिस जो कमेंट करने वाले भाई है उसका मतलब बीच में कोई मतलब कागज में कोई भरम रह रहा हो, कोई विश्वास रह रहा हो, तो मैं मतलब उसको कहता हूँ भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ उसे, मैं नाराज नहीं हूँ। उसके दिल में क्या है वो तो भाई है, वो है उसका पता नहीं, मतलब मैं मेरे क्या है, आपके क्या है, उसका क्या है, लेकिन उसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार आप आओ कहीं से भी आओ, आपका खर्चा दूंगा मैं, और आन के घर घर और से पूछो, लड़की से पूछो, युवा से पूछो, एक एक आदमी से पूछो, बालडा में पूछो, मतलब मेरे गांव की नहीं, बालडा में पूछो, बालडा भी तो बहुत बड़ा शहर है, मेरे विपक्ष के भी हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ तो बल्लेराम था, आपने बयान लिया एक बुजुर्ग आदमी था बल्लेराम है, वो जो मेरे रिलेशन लड़ गया है, भाभी लड़ी है उसकी, मतलब पुत्र वधु लड़ी है, दोनों मतलब आमने सामने थी, एक ऑन बोटू से वो मतलब पराजित हुई थी, मेरी भाभी विजय हुई थी, वो भी आज पंचायत में था, वो भी आपके सामने बोला है कि सरपंच में कोई कमी नहीं है भाई। मैं तो एक मिनट भाई साहब, तो उस भाई से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे पास में खड़ा है उससे जाके पूछ लो आप, उसके परिवार से पूछ लो इसके विषय में, उससे तो बड़ा मतलब मेरे खिलाफ नहीं हो सकता कोई, उससे पूछ लो, अगर इतना गंदा होता तो वो तो बोलता है। और मैं ये ऐसा तो है नहीं, मत जाता वोटा जीतते हाँ भाई, मेरे का नहीं मतलब सारा काम हो लेगा भाई, साफ साफ शब्द हम बता दें, सरपंच का कहने का मतलब यू है, अगर किसी भाई का डाउट हो और जय किसी ने सरपंच का बेरा हो निजी लाइफ का, तो वो शाम में आके और भाई अपने बयान दे सके है, अगर सरपंच गलत है तो वो बता सके भाई जनता ने, हो सके भाई सरपंच का किसी भरम में रख रहे हो गांव में, जब थारा पे कोई सी बात है ऐसी कोई चीज है तो वो बेसंग आकर अपने बयान दे सके है और सरपंच ने गलत बता सके भाई, हम वह चीज शाम में ले आवांगे, गांव ने भी दिखावांगे, जनता ने भी दिखावांगे, और जब सरपंच गलत है तो गलत ही बतावांगे, सही बात है, सही बात है भाई सर। तो भाई कमेंट ना करा करो इसे से, ठीक है, रिक्वेस्ट आप तैयार चीज, तो ठीक है सरपंच साहब, फिलहाल की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, दो ही चार बात थी है, और एक बात रह गई भाई वो और बता दूंगा, सरपंच साहब इतना कुछ हो लिया ठीक है, आपके ऊपर गलत आरोप भी लाग लिए और गणकरेन्यू भी कम है भाई, सरपंच पास छट जाना चाहिए, और आपने कई बार बता भी लिया बात कि पक्ष मैं नहीं हटूंगा क्योंकि, ठीक है, तो जब पंचायत आपने न्यू कहा है कि भाई सरपंच पीछे हट जाए तो अब क्या करोगे, अब अपने मतलब नू ना मानियो, अब भाई पंचायत मेरा काम राम जो मेरा साथ था वो कहना, लेकिन जो आपने एक बात कही थी मैं सच के साथ हूँ, और जब काल ना पंचायत आपने न्यू कहा पीछे हट जाए तो क्या करोगे भाई साहब, मैं हूँ कौन है, मैं नहीं हूँ कुछ भी, गाँव राम है, आप वो हो जो एक काल के साथ, मैं कौन हूँ, गाँव है, गाँव है, अगर मैं गाँव मेरे हाथ किस लिए है कि मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, मैंने बोला मान लिया गांव, अगर आपने नूका हुआ पीछे हट जाता आप क्या करोगे, नहीं सच्चाई का साथ हम छोड़ूंगा जी, बिल्कुल भाई साहब, अगर पूरा गांव नूका हुआ भाई पीछे हट जा तो सच का साथ सरपंच फिर भी देगा, कई बार नू कमेंट आवे भाई कदे सरपंच घूट मार के वाला ले रहा हो, कदे नू करना ले रहा हो, ये कमेंट ना करा करो, ये गलत टिप्पणी ना करा करो, इंसान ने देखा करो, कई से भी है जो आदमी नू कहे कति देवता इंसान है भाई, सरपंच वर्गा बड़ी आदमी नहीं, इसे से कमेंट करा रहो इसका भाई का भी दिल खुश हो जाए, इतना साफ बदन मार वर्गा अपने इतनी बात रखा है, सपना का साथ देने लग रहा है, गांव राम मोर की में हो जाए उसका साथ देने लग रहा है, सही कहा सरपंच साहब, सही कहा। तो भाई दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं वीडियो को, चार पांच सवाल थे वह मैंने सरपंच तक कर लिए हैं, और वह सवाल मेरे नहीं थे, वह सवाल आपके थे जो आप कमेंट में करके बताने लग रहे हो, तो दोस्तों मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।